नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। एक और बीट मेकिंग सेशन। जो लोग पुराने हैं उनको मालूम है, और जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि बीट मेकिंग सेशन में मैं बात कम करता हूं और बीट मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। बिल्कुल एक जीरो से एकदम रैंडम बीट बनाता हूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है मैं क्या बनाने वाला हूं। जैसे ऐसे आइडिया आता रहता है मैं बनाता रहता हूं, और इससे फ़ायदा कि जितने भी व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स कह लो या स्टूडेंट्स कह लो, वो ये देख पाते हैं कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसकी अप्रोच क्या होती है। सो यही हमारा मोटिव है बीट मेकिंग सेशन का। और दूसरी बात, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बात की थी कि इस बार जो बीट मेकिंग सेशन होगा उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना लेटेस्ट जो मैंने सैम्पल पैक रिलीज़ किया था, वही 21 रुपये वाला, उसको यूज़ करेंगे। और भी बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे, बट बीच में उसको भी कहीं कहीं कुछ कुछ यूज़ करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम टेक्निकली उसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि हम यहाँ जाएंगे devnextlevel.in, यहाँ से हम गए सैम्पल पैक्स, और यहाँ पर है, आप क्लिक करेंगे। वो साथ वाला था जो फ्री है, पिछले साल काफ़ी लोगों ने वो ऑलरेडी फ्री डाउनलोड किया था, अभी भी वो फ्री है। और यहाँ से ऐड टू कार्ट, और जैसे ही आगे बहुत लोगों के ये भी कमेंट थे कि पेटीएम या गूगल पे की ऑप्शन भी लेके आइए, क्योंकि सबके पास डेबिट कार्ड नहीं है या सबके डेबिट कार्ड कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आई नो, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही वेबसाइट बनाई है। धीरे धीरे मैं और ये चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। जो मेरा मर्चेंट पार्टनर है उससे मैं अभी ईमेल वगैरह में ही डिस्कस चल रहा है कि किस तरह से मैं पेटीएम या गूगल पे दोनों में से मतलब कुछ यूपीआई की ऑप्शन भी वहाँ में ले आऊँ। कोशिश है, बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके अलावा एक और अपडेट, देव नेक्स्ट लेवल बीट्स, जो पिछले एक हफ्ते पहले ही पूरा 7-8 दिन ही हुए हैं, नया चैनल बनाया था और ये 6 बीट्स मैंने अपलोड की है पिछले एक हफ्ते में, और एक हफ्ते के अंदर ही आपने 4,300 सब्सक्राइबर्स दे दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। ढूंढने में शायद दिक्कत हो क्योंकि देव नेक्स्ट लेवल बीट्स लिखेंगे तो भी शायद ना मिले, तो बट ढूंढ लीजिएगा चैनल पे क्लिक करके, देव नेक्स्ट लेवल बीट्स अलग नया चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द बीट मेकिंग सेशन। ओके, एकदम खाली कॉफी का एक सिप। And here we go. Okay, कुछ रैंडम ले लेते हैं हम टेम्पो, चलिए 92-94 कुछ ये रखते हैं। इससे आपको थोड़ा मेलोडी की आदत, मतलब थोड़ी आइडिया बेटर होगा। यह फोल्डर देव नेक्स्ट लेवल वन शॉट प्लग सैंपल पैक, बहुत सारे हाई क्वालिटी यहाँ पर प्लग्स हैं, सिंगल शॉट है, तो आइए देखते हैं। ओके, '96 ठीक है।
रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बीच में भी बोलते रहना चाहिए कि आपको लगे पता नहीं कहाँ गया। सिर्फ आँखों के हिसाब से, मैंने पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में बताया है कि अगर ए लिखा है बी लिखा है तो ठीक है, ए और बी है, नहीं कानों के हिसाब से करें, आँखों के हिसाब से नहीं, क्योंकि कई बार जो प्रीसेट है किसी एक पर्टिकुलर VST में वो पीछे से डी ट्यून्ड होता है, जिसने बनाने वाले ने ही उसे, जो मैं कहता हूँ कि एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ना C5 वाला, कई बार उसके ऊपर नहीं बनाया होता। इसलिए मैंने सारे जो प्लग्स हैं अगर आप देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, जिनको कान प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने आपने देखा था मैंने एक थोड़ा पिच छेड़ छेड़ के, तो ऑब्वियसली वो मैंने सुन सुन से कहीं किया, क्योंकि कान थोड़ा ट्रेन हो जाते हैं वक्त के साथ। जिनके नहीं है वो देख सकते हैं जी पे है, ए शार्प पे है, सी शार्प पे है, बी है, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि हाँ ये डी शार्प के ऊपर है, यहाँ से मैं आगे पीछे खेल सकूँ, जो बिगनर या इंटरमीडिएट है। राइट, अरे कहाँ गया।
शिफ्ट ऊपर नीचे। सेव भी कर रहे हैं। हाँ सेव तो कर लेते हैं यार। प्रिंस पाजी का गाना चल रहा है, चलिए मैं एक बीट बना लेते हैं। आउट एकदम बंद और टाइट एकदम, थोड़ा सा वॉल्यूम कम, राइट क्लिक पियानो रोल, एक नोट रख देते हैं। वॉल्यूम ज़्यादा कम हो गया उसका। अच्छा नहीं, 6 पे रख दिया ना, 5 पे रखना। तीनों बैठ सकता है। सो राइट C5 पे आ गया। पर तर तर 2 3 4 शिफ्ट से ये हो रहा है। शॉर्टकट्स एफएस स्टूडियो देव नेक्स्ट लेवल लिखेंगे तो आ जाएगी वो भी लेक्चर शॉर्टकट्स वाली।
तकत 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 तकत। सबको रिकमेंड करता हूँ रिवर्ब डिले बस में लगाएं, बीट मेकिंग सेशन में, ज़्यादा बसेस नहीं और वैसे भी ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत सारे प्रिकॉशन डायरेक्ट में भी लगा देता हूँ जश्ता है अपने को। मेन जो है जिस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि उसे मैं वोकल्स तो हमेशा ही लेकर ही चलिए बस में, और जो एक्सटर्नल सारंगी फ्लूट तुम भी आपने जैसे वो मेरी ये वाली बीट सुनी होगी, कहाँ गई ये वाली कल वाली भारत, इसे सुनिएगा आपको बहुत क्लैरिटी सुनेगी एक एक चीज़ के अंदर। वो यही है मिड साइड ई क्यू किस तरह से सही यूज़ करना है, अपनी जो एक टोनल बैलेंस है आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है कि लो कहाँ है मिड कहाँ है हाई कहाँ है, उन सब का एक आपस में बैलेंस हो, अपनी अपनी पोजीशनिंग हो, तो आपको आपके बीट के अंदर बहुत ज़्यादा शोर नहीं सुनेगा, क्लैरिटी सुनेगी। हर एक इंस्ट्रूमेंट हर एक लेयर बहुत ही क्लीन सुनेगी, अपनी सही पोजीशन पर वो होगी। वो तभी है अगर हम सबको एक सही टोनल बैलेंस के हिसाब से फिट करते जाएंगे, ठीक है, जिसमें रिवर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। लग रहा है जो सबसे पहले लगाई थी वही सही थी, कहाँ थी, इसमें थी ना, चलो ये तो इसमें थी, और कोई देखते हैं पहले।
हल्का सा इसका ट्रांजिएंट, मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर में बताया था कि बहुत लोग ये गलती करते हैं, किक को और पंच देने के लिए उसका लो उठाते रहते हैं। उसमें तो ऑलरेडी लो कंटेंट है ही, लेकिन जो शुरू का ट्रांजिएंट है वो, बाकी का धम वो टेल जो है, तो जो शुरू का ट्रांजिएंट है वो टक, वो हायर साइड, मिड साइड या हायर साइड पर होता है। तो वो सुन सुन के हल्का सा अगर आप उठा देंगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1.5 dB, 2.5 dB, तो हल्का सा एक पंच आ जाता है। बाकी सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कटिंग वगैरह कर ली पहले, अगर तो मैंने पियानो रोल में किया होता तो मैं कट इट सेल्फ यूज कर सकता था, पर फिलहाल यही कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये इतनी मेहनत वापस से, पहले कर लेते तो बच जाते हैं ना, बट चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से थोड़ा सा हाथ तेज हो जाता है, उससे फायदा हो जाता है। बस कितनी देर लगी, 30 सेकेंड। साथ साथ सेव करते रहें, अरे कुछ छेड़ा मैंने, हाँ साथ साथ सेव करते रहें। We'll be right back.
नेक्स्ट लेवल। अब पिछले एक दो बीट्स में काफी कमेंट्स ये हैं कि आपने अपना वो फीमेल आवाज वाला प्रोड्यूसर टैग कैसे बनाया या विस्पर वाला प्रोड्यूसर टैग कैसे बनाया। पहले तो मैं बड़े शौक होता हूँ कि बनाया वर्ड क्या है, रिकॉर्ड किया कैसे। कोई भी आपके पास आर्टिस्ट आ रहा है, जैसे ये तो मैंने खुद कर रखा है फ़ोन के ऊपर, आप देखेंगे बड़ा लो क्वालिटी है, बट कोई हाई क्वालिटी वोकल्स की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा तो इतना सा सेक्शन आएगा कुछ भी। मान लीजिए आपका नाम है रॉक्सी, रॉक्सी बीट, तो इतने के लिए कौन सा आपको बहुत कोई हाई क्वालिटी माइक या बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग चाहिए, इतना सा आएगा। उसके ऊपर भी 3600 इफेक्ट लगा रखे होते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के ऊपर भी चल जाता है अनलेस और अनटिल वो क्लिप ना हो रखा हो। और जब मैं स्टूडियो में हूँ या कहीं रिकॉर्डिंग करने गया हूँ, कोई भी फीमेल आर्टिस्ट है, मान लीजिए मैं कोई भारत पेट्रोलियम की एड चल रही है, कोई अभी इसकी चल रही थी, जैसे उसके अलावा आप हो गया फिनकॉप की एड हो गई, किसी की भी एडवर्टीजमेंट का कोई भी जिंगल चल रही है, कोई म्यूज़िक चल रहा है, तो फीमेल आर्टिस्ट हैं, कोरस आर्टिस्ट हैं, पूरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, सब कुछ डन हो गया, लास्ट के दो मिनट मैंने क्या बोला, मुझे एक बेसिक दो टेम्पो के ऊपर अपनी फील के हिसाब से 20-25 देव नेक्स्ट लेवल बोल दो, देव नेक्स्ट लेवल, देव नेक्स्ट लेवल, देव नेक्स्ट लेवल, मेरे पास बहुत सारे हो गए, काट काट के फिट कर दिए, थोड़ा बहुत पिच कर दिया, कई बार कोई भी नहीं जच रहा, खुद ही बोल दिया देव नेक्स्ट लेवल, और चार नोट ऊपर किए, वो लड़की सी आवाज़ बन गई। तो इतना हिट एंड ट्रायल तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये आप कॉमेंट में जो लिख रहे हैं कि एक तो कह रहा सर मेरा भी बनवा दो, हद ही हो गई, मतलब मेहनत करो यार, हाथ पैर चलाओ कुछ, ये बनाने वाली चीज़ नहीं, तो बेसिक रिकॉर्ड है, जैसे ये है इसमें से हम कुछ ढूंढ लेते हैं, अकेला किया नेक्स्ट लेवल, बस ठीक है, अकेला सुनते हैं देव नेक्स्ट लेवल, वो देखिए पीछे बहुत नॉइज़ है, ठीक है, राइट क्लिक किया, एडिट ऑडियो एडिटर कर दिया, ठीक है जी, ये सारा पकड़ा और कर दिया डिलीट, इतना सा ये नॉइज़ है, नॉइज़ कैप्चर कर लिया, आ जा भाई कंट्रोल ए, यह गए, थोड़ा सा नॉइज़ रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, चलिए नॉइज़ उड़ गया, ये पकड़ा, यहाँ रख दिया जी, टेम्पो से मैच कर लेंगे। टेम्पो अब देख लेते हैं टाइमिंग क्या रखनी है। नेक्स्ट लेवल, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देव फिट कर दिया, एकदम जूम करके, लो जी बिल्कुल यहाँ रख दिया, ओके, अभी नेक्स्ट थोड़ा आगे आया हुआ है, ठीक है, काट के पीछे कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल, अब इसको क्या मेक यूनिक, ताकि पीछे वाले से अलग हो जाए, थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेच करूंगा, पहले मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ तक खोल लेते हैं, स्ट्रेच क्यों, ताकि प्रॉपर लाइंस पे आए, देखिए वो भी टाइमिंग के ऊपर बैठा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट पिछड़ी से नेक्स्ट लेवल डन। अब इसमें क्या बनाना, रिकॉर्ड किया और टेम्पो पे बिठा दिया, राइट, अलग अलग आर्टिस्ट आपके पास आएंगे, कोई फीमेल सिंगर आए, कोई कोई अलग ही वॉइस टेक्सचर का कोई और आर्टिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड करवा लो। हाँ, वो डिपेंड करता है आपके रिलेशंस उनके साथ प्रोफेशनल किस तरह के हैं, आपने उनके साथ कितना काम किया, बोले कि मैं क्यों करूं पैसे दो। चलिए ऐसा करते हैं, इसे चलिए इधर कर दिया थोड़ा, अभी हम मोनो करके नहीं सुन रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, राइट, थोड़ा इधर कर दिया, इस पर हमने कोई भी डिले बैंक जो भी बाय डिफॉल्ट आया होगा, यहाँ गए डिले 3 जो भी बाय डिफॉल्ट आया होगा, चलो नेक्स्ट लेवल।
एक बार ऊपर देखें, एक आइडिया सा तो ओवरऑल हो ही गया, और आपको ये पता लग गया किस तरह से हम प्लक्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम कॉर्ड्स में भी लगा सकते हैं, और जैसे ये मैंने बनाई है जो, और आप देख रहे हैं कितने क्लीन, कितनी सफाई, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से रात रात पर बैठ के एक एक डिज़ाइन की है। अभी एक मेरा मेलोडी पैक भी है जो मैं बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे, इधर है, नहीं वो मेरे दूसरी हार्ड डिस्क में, ठीक है, तो वो भी बहुत टाइम से बना रहा हूँ, और कुछ लेक्चर्स में मैंने उसके बारे में डिस्कस भी किया है ऑलरेडी, बट वही है वो, अब टेस्ट के हिसाब से मैं थोड़ी 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 बनाता रहता हूँ, वो थोड़ा बड़ा पैक होगा तो वो भी मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी आपके सामने ला सकूँ। और कितनी रिच कॉर्ड्स वगैरह भी बन सकती हैं इन्हीं शॉर्ट प्लग से। तो फिलहाल जितनी भी बनी है मैं हल्का से इसे ओवरऑल कंप्रेस करता हूँ। सबसे पहले मैंने मास्टर पे गया, वहाँ मैं गया और मैंने यहाँ पर एक ईक्यू ले लिया, इधर से मैंने तकरीबन 24 या 25 हर्ट्ज तक काटा, उधर मैंने 18.5 या 19 तक ले गया, राइट, बहुत ज़रूरी है
बेमतलब की फ्रीक्वेंसीज हमने काट दी, एक कंप्रेसर, कंप्रेसर कहाँ मैं यूज़ करूँगा, सबसे ऊंचा, अभी तो मैंने लेवलिंग वैसे नहीं की, वैसे ही रखता गया हूँ, बट फिर भी हम जितना एक बाय डिफॉल्ट अभी सुनता है हमें, कंप्रेशन में गए, आपको कुछ इशू लगे मिक्स में आप वापस जा सकते हैं। सिर्फ एक बीट मेकिंग सेशन है, इसे मिक्स मास्टर सेशन मत लीजिएगा। और वैसे ही बहुत ही आपने देखा ही है, बहुत जल्दी जल्दी मैंने एक रैंडम सब ये सिलेक्ट की हैं साउंड्स, बट अगर किसी का गाना हम बना रहे हैं तो बहुत देर लगती है, कभी कभी पूरा पूरा दिन लग जाता है, एक स्नेयर ही पसंद नहीं आ रही होती। ले लेते हैं हम मैक्सिमस, मैक्सिमस में गए, सोलो कर दिया सबसे पहले लो एंड को, राइट तकरीबन चलिए 190 के राउंड, इसे कर दिया एकदम हमने मर्ज मोनो, यहाँ से फिलहाल मैं ओवरऑल मोनो कर देता हूँ सो दैट मुझे कोई इश्यू अगर सुने तो उसी टाइम सुन जाएगा। ये देखिए आया ना, नहीं सुना कोई बात नहीं, सेंट्री ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी सैचुरेट कर देते हैं, हम सिर्फ टेप लगाएंगे, बहुत अच्छा है फ्री, मैंने एक लेक्चर में बताया भी था ये, फ्री के हिसाब से तो बहुत अच्छी साउंड है। चलिए एक बीट मेकिंग सेशन, काफी देर से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आइए सुनते हैं क्या चीज बनी है। फिलहाल राइजर वगैरह मैंने ज्यादा चीजें नहीं लगाई, मेरा ज्यादा ध्यान जो था वो इसी पे था, ही सुन कॉफी भी ठंडी हो। नाइस, बहुत बढ़िया, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एक रैंडम बीट मेकिंग सेशन था, आपको मालूम ही है कुछ नहीं पता था क्या बनाएगा क्या नहीं, तो ये रहा वो सैंपल पैक जो पिछला था, वो फाइल थी जिसके अंदर मैं एक 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 करके प्रॉपर डिजाइन करता रहा था, जो इसके अंदर मैंने जिप कर दिया था, ये प्लक ये फाइल है जिसके अंदर मैं बैठ के बनाता रहा, ये सारी फाइल्स मैंने बनाई, उसके बाद एक एक फाइल को चेक करता गया प्रॉपर मीटर के हिसाब से कि क्या उसकी पीक कहाँ जा रही है, और कुछ किसी में अगर मैंने डुअल टोन लगाई है तो कोई फेजिंग या कोई और इशू तो नहीं है, फाइनल एकदम टेक्निकली चेक कर करके ऑन पॉइंट उसके हमने इस फोल्डर में फाइनली डालता गया, और फिर इस फोल्डर के अंदर जो है ये फोल्डर है जो आपको फाइनली वो मिलता है, और ये उसका वही थंबनेल कह लीजिए, पोस्टर कह लीजिए, ओके तो ये सब सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए में मैंने यहाँ डाला था, आप जाके ले सकते हैं, सैंपल पैक्स पे क्लिक करेंगे devnextlevel.in। इसके अलावा मेरा नया चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही, ये चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे facebook.com/devnextlevel, यहाँ ज़रूर फॉलो करेंगे, और instagram.com/devnextlevel पर तो ज़रूर जल्दी फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं। और मेरा ये गाना जो आया था अभी ट्रुथ, इसे ज़रूर सुनिए, स्पॉटिफाई के ऊपर मेरे गाने ज़रूर सुनिया करिए, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए,
तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।